फिर वही चेहरे हैं, केरला स्टोरी को भी जो बोल रहे हैं कि ये प्रोपोगंडा, वही चेहरे, वही घिसे पिटे चेहरे, वही यूजुअल सस्पेक्ट्स. आई एम वेरी वेरी हैप्पी दैट सच फिल्म्स विच आर क्लोजर टू रियलिटी आर डूइंग वेल. वॉट एवर द थीम इज, I would like to know, you know, a lot of controversies going around this Kerala story, and what do you think, how much these controversies are just? फिर वही चेहरे हैं, केरला स्टोरी को भी जो बोल रहे हैं कि ये प्रोपोगंडा, वही चेहरे, वही घिसे पिटे चेहरे, वही यूजुअल सस्पेक्ट्स. मैंने फिल्म देखी नहीं है, बट आई वुड लव टू सी. मैं बाहर शूटिंग कर रहा था, एंड वेरी प्राउड ऑफ द फैक्ट दैट पीपल आर मेकिंग नॉट ओनली दिस फिल्म और एनीबडी हु इज एंड पीपल आर थ्रॉन्गिंग इन द सिनेमा हॉल्स. इट्स कांट, यू कांट मेक ए फिल्म लाइक दिस, अ सुपर हिट फिल्म, विदाउट द ऑडियंसिस पार्टिसिपेशन. ये जी, कोई आजकल, ये वही ऑडियंस है जो बहुत सारी फिल्में देखने नहीं जाती हैं, बिकॉज उनको भी रियलिटी देखना ज़रूरी है. और बाकी तो मैं इस पर कमेंट देखने के बाद करूँगा, बट आई एम वेरी वेरी हैप्पी दैट सच फिल्म्स विच आर क्लोजर टू रियलिटी आर डूइंग वेल. वॉट एवर द थीम इज, एवरीबडी इज़ ओपन टू मेक एनी फिल्म. अगर किसी को जो जो इसको जिस पर टीका टिप्पणी करते हैं, लेट देम आंसर विद मेकिंग ए फिल्म ऑन द टॉपिक दैट दे वॉन्ट टू मेक इट. जो अपनी अगर उनको लगता है कि ये फिल्म प्रोपोगंडा है, तो उनको भी पूरी आज़ादी है प्रोपोगंडा फिल्म बनाने की, जो उनको लगता है कि ये ठीक होनी चाहिए. अब ये बातें खड़े होके कि हाँ ये प्रोपोगंडा, चिल्लाना, गला ख़राब करना अपना, वो तो गलत बात है. आपको एक्शन से ही जवाब देना चाहिए, और एक्शन ये रहेगा कि आप अपनी एक फिल्म बनाइए जो उनको लगता है कि इम्पोर्टेंट है. बनाइए, आपको किसने रोका है?